हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोएम एकेडमी अगेन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वायरसेस और सेल का डिफरेंस, कि हाउ द वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। तो अगर हम बात करते हैं वायरसेस, जितनी हमें प्रायर नॉलेज होती है उससे हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो वायरसेस होते हैं उनमें क्या क्या होता है। अगर हम एक वायरस का स्ट्रक्चर ज्यूम करें, चाहे वो HIV वायरस हो या कोई और वायरस हो, तो उसमें हम सिर्फ बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की या प्रोटीन की, राइट? यही बात करते हैं। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें, अगर हम सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सोचें, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है हमें सेल्स के अंदर। बहुत से इंजाइम्स हो गए, डिग्रेडिंग इंजाइम्स, बहुत से प्रोटीन्स हो गए या कोई स्ट्रक्चर्स हो गए, बहुत कुछ मिलता है। तो जो वायरसेस हैं दे कंसिस्ट ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, वेयर इज इन सेल्स देयर मच मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिसाइड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, राइट? जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हो गए या ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, सेल में बहुत कुछ मिलता है। अब कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, यूजली वायरसेस हैव ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर इट इज़ DNA और RNA। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, क्या बताओ कि हमारा जो सेल है उसमें मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA है, तो क्या उसमें RNA और DNA दोनों होगा? क्योंकि इस पॉइंट में लिखा है कि हैव बोथ DNA एंड RNA। तो इसका आंसर होगा यस। हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हम अपनी ही बात करें, हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA है, लेकिन हमारे अंदर DNA एज वेल एज RNA है। आपने एक रेप्लिकेशन टर्म तो यूज सुनी है, ट्रांसक्रिप्शन सुनी है और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, DNA से DNA बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से हमारा RNA बनता है। सो ये एक प्रोसेस का पार्ट है। mRNA बनेगा, उसके आगे ट्रांसलेशन होगी, प्रोसेसिंग होगी, कितना कुछ होता है। तो मींस हमारे जो प्रोसेस है उसमें DNA से mRNA बनता है, RNA से देन प्रोटीन बनते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं दे हैव बोथ DNA एंड RNA, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट, वायरसेस लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, वेयर एज इन केस ऑफ सेल्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगी, बहुत सा साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, और अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे गॉल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस तो होता ही होता है, चलो इसके अलावा हमारे कुछ और जैसे कि माइक्रोप्लाई, अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, जबकि वायरसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। वायरसेस आर ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, बस इतनी सी बात बांध लो अपने दिमाग में, बाकी छोड़ो। अब वायरसेस का क्या है कि ये कोई और एक्टिविटी नहीं करते, जब इनमें कोई ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, जैसे एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, या लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं है, उनकी पैकेजिंग के लिए जब सिंथेसिस में तो ऑब्वियस है पैकेजिंग ही नहीं चाहिए होगी, तो गॉल्गी बॉडी नहीं है, कुछ डिग्रेडेशन का काम नहीं है, तो लाइसोसोम का फंक्शन नहीं है, तो इनमें क्या है, वायरसेस में कोई भी लाइफ एक्टिविटी नहीं होती सिवाय रिप्रोडक्शन के लिए। और जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर होती है, जबकि जो सेल फ्रेम मीडियम है उसमें कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज़ है हम उनको अगार की प्लेटिंग या मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वायरसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल अपने होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल में क्या होंगे, सभी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, वेदर इट इज़ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बायोसिंथेसिस, पाथवेज होंगे, सब चलेंगे, जितने भी एक लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स पाथवे हैं सब ऑन होते हैं सेल्स में। और ये क्या है, एक सेल फ्री मीडियम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ वायरसेस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली जेनेटिक मटेरियल। जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, मान लो एक हमारे कपल है, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई इंडिविजुअल है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक इंटायर बेबी प्रोड्यूस होता है,
राइट, या उसमें पूरे के पूरे सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ऐसा तो नहीं है कोई एक अकेला जो न्यूक्लिक एसिड ही आ गया या पूरा न्यूक्लियस ही रोल प्ले कर रहा है, पूरा का पूरा सेल डिवीजन में पूरे सेल डिवाइड होते हैं। कैरियोकिनेसिस एज वेल एज साइटोकिनेसिस होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ साथ साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो सेल्स के केस में जो रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा सेल, जो हमारे गैमीट्स होंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे, उनका पूरा का पूरा सेल वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वेयर एज इन केस ऑफ वायरसेस, सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है वही होस्ट के अंदर क्या है, रिप्रोड्यूस करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इनडेफिनेटली विदाउट चेंज और डैमेज। एक बात हमेशा के लिए याद रख लो कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्रिस्टलाइज्ड और इनडेफिनेटली कैप नहीं कर सकते। इनडेफिनेटली मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतने टाइम के लिए हम कैप नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद वो सेल्स हैं हमें टाटा बाय बाय कर देंगे, कि एक लिमिट होती है, हम इतने टाइम तक ही सेल्स को स्टोर कर सकते हैं। और जो सेल्स हैं हम क्या उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो लिविंग सेल्स हैं। लेकिन जो वायरसेस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो वायरसेस हैं इनका एक फीचर होता है कि ये एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी एक्ट करते हैं जब ये होस्ट के अंदर होते हैं, व्हेन दे आर रिजाइडिंग इन टू द होस्ट। व्हेन एवर दे आर नॉट इन कंटेक्ट ऑफ द होस्ट, दे विल एक्ट एज अ नॉन लिविंग। और हम नॉन लिविंग चीज़ को किसी भी तरह से, कोई पत्थर है वो क्या है, नॉन लिविंग है, आप उसको इंडेफिनेटली टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो। वही चीज़ क्या है, वायरसेस के लिए, जब तक ये होस्ट के अंदर है तब तक ये लिविंग सेल्स की तरह काम करेंगे, जैसे ही होस्ट के बाहर आए ये नॉन लिविंग एक्ट करेंगे और हम क्या है, इनको क्रिस्टलाइंड और इंडेफिनेट टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इनको कोई चेंज या डैमेज नहीं होगा। वेयर एज सेल्स को हम ऐसे कैप नहीं कर सकते। तो हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, वायरसेस में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होंगे, कोई बाकी के ऑर्गेनलीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ नहीं होंगे, कोई और एक्टिविटीज, जब ऑर्गेनलीज ही नहीं है तो कोई एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी होती है, रिप्रोडक्शन होती है। और रिप्रोडक्शन में भी पूरा का पूरा सेल या वायरल पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, और इनको हम क्रिस्टलाइन और इनडेफिनेट टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये थी वायरसेस की कहानी। वेयर एज सेल, सेल में क्या है, हमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ साथ बाकी के कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल लिपिड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, और इनमें डीएनए और आरएनए दोनों ही होता है। क्यों? यहाँ से याद रखना है कि रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, रेप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी बनती है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए बनता है। तो हमारे सेल्स में डीएनए और आरएनए दोनों ही होंगे। और सेल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब पूरे ऑर्गेनलिज हैं तो वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होगी, मेटाबॉलिज्म होंगे, बायोसिंथेसिस होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो लाइफ की होती हैं। और ये सेल फ्री मीडियम में भी ग्रो कर जाते हैं, और रिप्रोडक्शन है उसमें जो गैमेट्स का पूरा इंटायर सेल है वो इन्वॉल्व होता है, और इनको हम क्रिस्टलाइन या इनडेफिनेट टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। So that is a difference between viruses and cell. I hope you like the video. Please do and subscribe my channel. Thank you.